लास्ट नाइट हम होमवर्क दिए हुए थे एक्सरसाइज 6.1, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 को हमने देख लिया। मिला लीजिए, आप लोग बनाए होंगे तो ठीक है। देखिए इसको दिया हुआ है एक्स वाई एक लाइन, एम एन दूसरा लाइन, दोनों लाइन ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है, यानी एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। फिर पी से ओ पर एक लाइन बना है जिससे जब एंगल बना पी ओ वाई जो कि गिवन है दिया हुआ है तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ठीक है, पी ओ वाई एंगल इज 90 डिग्री। जो लाइन बच गया, जो एंगल बच गया एक्स ओ पी, उस एंगल को एम ओ एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक एंगल का नाम ए दूसरे एंगल का नाम बी ठीक है। यानी ये 90 डिग्री बचा, ये भी 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को दो पार्ट में बांटा गया ए और बी। दिया हुआ है ए और बी का रेशियो 2:3 है, ए बी दो एंगल है, दोनों का रेशियो 2:3 है और इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री बन रहा है। तब बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मतलब एक्स ओ एन एंगल को फाइंड करना है ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 ठीक है। तो हम लोग जैसे ही दिया हुआ है रेशियो दिया है तो लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू ठीक है, ए इज इक्वल टू ये 2 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x। फिर b इज इक्वल टू 3x सेम वेरिएबल ठीक है, मतलब a का वैल्यू 2x हो गया लेट किया गया, b का वैल्यू 3x हो गया और हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहा है। Therefore, एंगल a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। a का वैल्यू कितना हमने लेट किए हैं 2x, b का वैल्यू 3x, दोनों मिलकर 90 डिग्री, इससे ये 5x मिला, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 ठीक है, तो 18 डिग्री हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम इस a में डाल दें और b में डाल दें तो a और b निकल जाएगा, तो therefore a is equal to 2 into x का वैल्यू 18 डिग्री is equal to 36 डिग्री a निकल गया और b का वैल्यू 3 into 18 डिग्री मतलब 54 डिग्री ठीक है, a का वैल्यू भी मिल गया b का वैल्यू भी मिल गया ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है c। तो हम लोग इस फिगर में फिर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि एम एन एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन को एक्स ओ दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एम ओ एक्स एंगल प्लस एक्स ओ एन, एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है। क्यों, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ठीक है, लीनियर पेयर में बताया गया है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है जब एक ही लाइन पर बना हुआ एंगल हो। अब इसमें से MOX is equal to B हो गया, प्लस इसका वैल्यू निकालना है C है is equal to 180 डिग्री, B का वैल्यू हमारे पास पता है कितना आया हुआ है 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस C is equal to 180 डिग्री, therefore C is equal to 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा 126 डिग्री ठीक है। इस तरह से लीनियर पेयर का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है वो लिखना जरूरी है ठीक है, जो प्रॉपर्टी लग रहा है सामने ब्रैकेट में जरूर लिखनी थी, वो इस प्रॉपर्टी से काम किया जा रहा है ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है ठीक है, इसमें पी क्यू एस और पी पी आर टी ये दोनों एंगल को प्रूफ करना है कि इक्वल, देख लो पी क्यू एस प्रूफ करना है, पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों आपस में इक्वल हो ये हम लोग को प्रूफ करना है। इसके लिए दिया क्या है, दिया है
पी क्यू आर, यहां देखो पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे। तो देखो फिर से अगर हम केवल इस एंगल को देखते हैं, यानी पी क्यू एस एंगल, एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर देखो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? यही एक लाइन है, इस पर ये लाइन दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी लीनियर पेयर बन गया। लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो फिर से अगर हम देखते हैं पी आर क्यू, यानी एंगल पी आर क्यू, फिर से एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, ये दोनों का सम फिर 180 देगा। फिर से देखो ये एक लाइन है, इस पर पी आर इसी लाइन को दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी दोनों को का सम एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है जो कि 180 डिग्री होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, और ये भी लीनियर पेयर से बन रहा है, तो फ्रॉम लीनियर पेयर। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आर एच एस को देखें तो दोनों का आर एच एस आपस में इक्वल है। अगर दोनों का आर एच एस इक्वल है 180 डिग्री, तो दोनों का एल एच एस भी आपस में इक्वल हुआ, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों की हेल्प से क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये दोनों आपस में इक्वल हुआ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से, इसका एल एच एस इक्वेशन 2 का एल एच एस आपस में इक्वल हो गया। अब हम लोग गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है पी क्यू आर, देखो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर यहां पर है, फिर पी आर क्यू, पी आर क्यू यहां पर है, ये दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसके बदला में इसको लिख दें या इसके बदला में इसको लिख दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी हम कर क्या रहे हैं पी क्यू एस इक्वल टू, इसको सेम लिख रहे हैं, सॉरी प्लस, इसको सेम उतार रहे हैं पी क्यू आर, फिर इक्वल टू यहां पर भी सेम चीज उतार दें पी आर, पी क्यू आर प्लस, इसको वैसे ही रहने दें पी आर टी। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों आपस में इक्वल है, यहां पर डाल दें सेंस ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए दोनों को डाल दिए। अब दोनों को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए तो बचा क्या हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये दोनों इक्वल हुआ, और यही ना हम लोग को प्रूफ करना था पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, यानी प्रूफ। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट डे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।